गोकुलदास हिंदू गर्ल्स महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना की ओर से चल रहे 7 दिवसीय विशेष शिविर में द्वितीय दिवस कैंसर एवं एड्स से बचाव के रूप में मनाया गया। शिविर का प्रारंभ महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर चारू मेहरोत्रा जी के दिशा निर्देशन में प्रार्थना लक्ष्य गीत के साथ प्रारंभ हुआ। फिर तस्मिया के द्वारा प्रथम दिन की आख्या बताई गई। इसके पश्चात स्वयं सेविकाओं द्वारा बस्ती के लोगों को योगा अभ्यास कराया गया। योगा अभ्यास करने के बाद कार्यक्रम अधिकारी द्वारा 10-10 स्वयं सेविकाओं की टोलियां बनाई गईं, जिन्होंने बस्ती के लोगों को गमलों को सजाना सिखाया। वहीं यह टोलियां लोगों को कैंसर एवं एड्स के प्रति जागरूक करने के लिए रवाना हुई। टोलियों ने घर घर जाकर लोगों को बताया कि कैंसर एवं एड्स के प्रति हम जागरूक रहें और समय समय पर अपना चिकित्सीय परीक्षण कराते रहें तो हम लोग अपनी जिंदगी को इन रोगों से दूर रख सकते हैं। कार्यक्रम के दूसरे सत्र में महानगर की जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विनीता अग्रवाल द्वारा बस्ती की महिलाओं एवं स्वयं सेविकाओं को गर्भाशय कैंसर एवं एड्स होने के कारणों एवं उनके बचाव के उपायों से अवगत कराया। शिविर का आयोजन एवं संचालन कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर शेफाली अग्रवाल एवं डॉक्टर रेणु शर्मा द्वारा किया गया। मुस्कान, अदीबा आलम, अलीशा, जूबिया, दानिया, अदीना, शिबी, खुशबू, तस्मिया आदि स्वयं सेविकाओं ने प्रतिभाग किया। मैं डॉक्टर विनीता अग्रवाल, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ और प्राइवेट प्रैक्टिस करती हूँ। क्या प्रोग्राम चल रहा है मैडम आज? आज NSS के जो छात्राएं हैं जिन्होंने NSS ले रखा है उनको हम सैनिटरी नैपकिन्स और सर्वाइकल कैंसर और एड्स के बारे में जानकारी देंगे। आपने बच्चों को क्या जानकारी दी है? हमने इन्हें बताया है कि सैनिटरी नैपकिन्स के यूज करने के फायदे क्या होते हैं और बीमारियों से बचाते हैं, एड्स की बीमारी क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है, सर्वाइकल कैंसर किन कारणों से होता है और उसके बचाव के लिए सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीनेशन की इम्पोर्टेंस बताई है बच्चों को और बच्चों के जो क्वेश्चन हैं, जो इनकी मिथ्याएं हैं उन्हें भी दूर कर रहे हैं।